वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है मंथली, तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले डेली में कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। पहले निफ्टी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी ने जो है 50% के ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग दिया था हमें, यहाँ पर लगभग 280 के आसपास से 50% का लेवल था, उसके ऊपर मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है आज। जो पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसा पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पैटर्न वैसा फॉर्म हुआ नहीं। तो मार्केट के पास एक और अपॉर्चुनिटी था मार्केट के पास इस तरह से जाने का, तो मार्केट ने ये वाला जो है पैटर्न फॉर्म किया है मार्केट ने, एन पैटर्न जिसको हम बोलेंगे। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। तो कल एक्सपायरी होने वाली मंथली, तो काफ़ी अच्छा मूव हमें मिल सकता है। तो अभी कल के लिए अगर इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करना है तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है कल के लिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस करता है तो 600 का हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आके मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है इस तरीके से, और जब अपना हाई क्रॉस करेगा तो हम फिर से एक बार बुलिश पोजिशन बना सकते हैं, लॉन्ग्स कर सकते हैं अपने मार्केट में। तो मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सस्टेन करता है 600 के ऊपर, तो हम फिर से एक बार ब्रेकआउट देख सकते हैं। नया ऑल टाइम हाई हमें मिला है आज निफ्टी में, जो हमने कल ही अपने एनालिसिस वीडियो में बोला था कि एक बड़ा मूव आ सकता है। तो आज अगर देखेंगे तो दोनों इंडेक्सेस में जो है 1% का हमें गेन देखने मिला है और निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई लगा है आज के दिन में। तो ऊपर के लिए अगर लॉन्ग्स के लिए देखेंगे तो ये वाले जो है टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं कल के लिए। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ टारगेट्स को। अगर मार्केट अपना आज का हाई निकलता है तो कल के लिए 21,800 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा ये रहेगा 21,894, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और ये जो टारगेट हमने मार्क किया है, ये मैंने पिछले 15 से 20 दिन पहले ही मैंने ये टारगेट मार्क करके रखा हुआ है। ये आने वाले दिनों में हमें 22,000 तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो ये ऊपर के लिए हमारे टारगेट होने वाले हैं। और डाउन साइड अगर देखेंगे तो 600 के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता है तो हम पुट साइड में नहीं जा सकते। यहाँ पे मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट्स अभी बन चुके हैं और मार्केट ने अभी काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने मिला है एंड ऑफ द डे, ये शायद कोई पकड़ पाया होगा। तो ये भी हमने टेलीग्राम चैनल में एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कहाँ पे दिया था। नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो ये वाला जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बनेगा 530 का, और उसके नीचे जो है अगर मार्केट निकलता है तो ये गैप फिलिंग हमें देखने मिल सकता है। ये वाला ज़रूरी नहीं है कि कल ही फिल हो, तो ये भी लेवल हम मार्क कर देते हैं नीचे की साइड के। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट 21,535 और सेकंड टारगेट जो है ये वाला रहेगा 21,450, जो कि ये गैप रीजन है, ये हमें फील होते हुए दिख सकता है अगर मार्केट नीचे निकलता है, नीचे की साइड में अगर ट्रेड करता है तो। लेकिन जब तक 600 ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं करता है तब तक हम कोई बेरिश पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी बाउंस आ सकता है और यहाँ से भी बाउंस आ सकता है। मार्केट के पास जो है बाउंस करने के लिए सपोर्ट है, काफ़ी अच्छे सारे सपोर्ट है। ये डेलो जब तक नहीं निकलता है तो भी
तब तक भी हम ब्रिज पोजीशन नहीं बना सकते, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, 21,497, ये जो है आज का डे लो, जहाँ से मार्केट ने आज एक बाउंस लिया है, तो यहाँ पे आके भी मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस, ऊपर की साइड के टारगेट जो है ये हमने मार्क करके रखे हुए। अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, इसमें भी एक बार मैं हाइड कर देता हूँ और डेली कैंडल हम देख लेते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी कल के एनालिसिस में हमने जैसे बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है, जो ऑल टाइम हाई था। तो बैंक निफ्टी ने भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि 48,347 का हाई लगा चुका है मार्केट। तो इसको भी हम एक बार 15 मिनट में देख लेते हैं, मैंने लेवल मार्क करके रखे हैं। तो इसमें भी एक काफ़ी अच्छा पैटर्न हमने ढूंढा था कल, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला है, ये वाला जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। इसका भी मैंने कल ही दिया था ये पैटर्न, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे दिख रहा था, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। और कल ही मैंने बोला था 48,000 के ऊपर ही लॉन्ग्स के पोजीशन बनेंगे, तो मैंने इम्पोर्टेंट लेवल भी मार्क करके दिया था आज मार्केट में, लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा यहाँ इन लेवल्स का। अगर मार्केट कल निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे अभी ये जो अपना ऑल टाइम हाई पिछले वाला, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 48,250, जहाँ पे एक बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मार्केट अगर इसी रीजन में ओपन होता है, और मतलब जो 48,000 का मैंने लेवल दिया था, वहाँ से लगभग 350 पॉइंट का मूव हुआ है अपर साइड में। और अभी कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है 48,000 ही होने वाला है, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता है मार्केट बेरिश नहीं है, तभी तक हमारे लिए मार्केट बुलिश ही है। 48,000 का मैं एक बार मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, शायद 48,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, तब तक बेरिश नहीं है। इसको मार्क कर देता हूँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 48,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आए काम करेगा मार्केट के लिए। तो मार्केट ये एक बार के लिए यहाँ पे आके मार्केट बाउंस कर सकता है, अगर गैप डाउन भी खुला 48,000 के पास, अगर टाइम पास करेगा यहाँ पे मार्केट, अगर टाइम स्पेंड करेगा कुछ, उसके बाद अगर कुछ ब्रेकडाउन देता है, तो हम बेरिश पोजीशन के लिए सोच सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की साइड में रहेगा। ये डेलो मतलब आज का जे जो डेलो है, ये रहेगा मार्केट का फर्स्ट टारगेट, जो कि 47,814 का है, 14 और 20 का पकड़ के चलिए। और उसके बाद में ये वाला जो रीजन है मार्केट के पास, ये जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे अगर नीचे भी आता है, तो 47,800 का मार्केट के पास अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार यहाँ पे 900 का जो है, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया है आज, मार्केट ने आज दोनों साइड मूव किया है, एक अप साइड भी एक डाउन साइड भी मूव किया है। उसके बाद में ये जो है शॉर्ट कवरिंग आया है मार्केट में। और अगर मार्केट कल यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए, कम से कम आधा घंटा कम से कम यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो हमारे पास ऊपर की साइड के लिए, हमने एक तो बड़ा वाला टारगेट तो मार्क करके रखा हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 48,480 का। सेकेंड टारगेट हमारा होने वाला है 48,733 का। और उसके बाद अगर देखेंगे तो थर्ड टारगेट 48,950 का, 14 या 50 का पकड़ के चले। और जो हमारा फाइनल टारगेट जो होने वाला है, ये हमने निकाला हुआ ये वाला है 49,278 का। ये अपर साइड के लिए टारगेट होने वाले हैं, ये कल के लिए नहीं है, ये आने वाले टाइम में हमें देखने मिलेंगे। कल के लिए तो अभी देखेंगे मार्केट कहाँ पे ओपन होता है और पॉजिटिव दिखता है या नेगेटिव। जहाँ तक दिख रहा है वो तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। इस पैटर्न का हमने जो लेवल निकाला हुआ है, ये वाला फाइनल टारगेट है, ये हेड एंड शोल्डर जो है क्लासिकल पैटर्न है, इसका टारगेट 49,278 ये निकल के आ रहा है।
फिन निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। फिन निफ्टी में जो है अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ये अगर देखेंगे ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है। एक मिनट, ये जो है यहाँ पे एक बार, ये दो बार, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। एक मिनट में इसको बना देता हूँ, दूसरा दूसरा मार्किंग करता हूँ प्राइस लेवल से। प्राइस लेवल निकाल देता हूँ मैं, ये वाला देखो, ये वाला एक बार, ये वाला दो बार, देखो एक दो तीन चार पाँच और ये 6 बार, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है मार्केट और 21,000 यहाँ पे क्लोजिंग हमें जो मिली है, ये 21,468 का क्लोजिंग मिला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होके अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 21,550 होने वाला है। उसके बाद में फर्दर टारगेट अगर निकालेंगे तो हम कल लाइव मार्केट में दे देंगे लेवल्स, जो हमारे लिए टेलीग्राम चैनल में हम अपडेट देते हैं। तो आप फिन निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इसके पास काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। और इसको अगर ब्रेकआउट करता है फिन निफ्टी तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव हमें देखने मिल सकता है। इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आया है लास्ट में। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। ये दोनों का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है मंथली एक्सपायरी होने वाला है कल, तो कल के लिए ये टारगेट आप देख सकते हो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। ये मेरा जो है ये चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, जहाँ पे हम डेली एनालिसिस वीडियो और हम लाइव भी करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लर्निंग पर्पस के लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है, तो वीडियोस में अगर देखेंगे आप डेली एनालिसिस वीडियो जो मैं बनाता हूँ, तो ये देखिए मैंने कल का जो एनालिसिस वीडियो था, ये 27 दिसंबर, ये आप देख सकते हो। बिग मूव बैंक निफ्टी निफ्टी कमिंग सून मैंने ये दिखा था, और उसके पहले वाला जो 26 दिसंबर का भी था, बैंक निफ्टी निफ्टी रेडी टू ब्लास्ट, ये मैंने लिखा था। तो आज हमें वो ट्रेंडिंग मूव देखने मिला है, तो अभी कल देखते हैं कैसा मूव हमें मिलता है, मार्केट कैसे खुलता है। तो ये वाला जो है, ये हमारा गोल्डन बुल्स नाम से टेलीग्राम चैनल है। अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसको आप मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हमने सुबह मॉर्निंग में देखिए 9:14 को एक एजुकेशन पर्पस के लिए स्टॉक दिया था इंट्राडे के लिए, टनला प्लेटफॉर्म जो है ये, इसका मैंने लेवल भी दिया था 1100, इसके ऊपर इसका बाइंग मैंने बोला था। तो खुलते ही साथ देखिए 9:19 पे उसने क्या ज़बरदस्त मूव लगाया है। पहले 1118, 1121, 1136 ये उसने हाई लगा चुका है। उसके बाद में अगर देखेंगे के बाद अगर देखेंगे तो मैंने एक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, ये वाला 10:38 में, ये लेवल मैंने दिया था, ये वॉच कर सकते हो आप। तो ये इसके पहले मैंने दिया था यहाँ पे 9:10:26 में मैंने दिया था कि ये लेवल आप वॉच कर सकते हो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। उसके बाद में ये बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया था, हालांकि इसके ऊपर भी गया था। और उसके बाद में आखिरी अगर देखेंगे आप तो मैंने ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वाला, ये कोई पकड़ नहीं पाया होगा शायद, ये देखो मैंने 2:24 पे दिया था, 21,600 का सी मैंने बोला था, 45-50 रुपये, SL इसका 35 रुपीज़ था। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था, उसने अगर देखेंगे आप तो हाई कितना लगाया, देखिए आप खुद 50 से लेके 138 ये इसने हाई लगाया। ये जो है एक जैकपॉट कॉल था हमारा, श्योर शॉट कॉल था। तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। ये हमने कोर्स लॉन्च किया है 2024 जनवरी 18 से, इसके क्लासेस
18 से 2024 क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोर्स भी आपको ज्वाइन करना है, एडवांस ऑप्शन बाइंग कोर्स होने वाला है ये। तो इसमें नंबर दिया है मैंने, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और इसका जो प्राइस होने वाला है 9999 होने वाला है। एक मंथ का रहेगा, 8 सेशन होने वाले हैं इसमें। पूरा एडवांस आपको सीखने मिलेगा इसमें। तो चैनल से फटाफट ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा एनालिसिस तो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।